व्हाट डज इट मीन बाय मार्शलैंड रिया? बताओ मार्शलैंड कहाँ पे है रिया? ये ठीक करिए, जैसे हम सबको रिया ने बताया कि जो अमेजन के जंगल है, अमेजन के जंगल है ना साउथ अफ्रीका में, वो दलदल की जमीन है, उसमें पेड़ क्या होते हैं, बढ़ते गिर जाते हैं सड़ते हैं, जहाँ सड़ेगा उसी को तो मार्स कहते हैं, यानी दलदल। बहुत बड़ी बात बताई है रिया ने हम लोगों को कि मार्स किसे कहते हैं बताओ, दलदल। और ऐसी जगहों से जो मीथेन बनती है, गैस निकलेगी, सब्जी मंडी गया जहाँ सब्जी सड़ती रहती है, वही गैस सीएनजी है, उसी से ऑटो चल रहा है, उसमें उसमें कौन सी गैस निकल रही है? सीएनजी। सीएनजी से ऑटो चलते देखे तो मार्स में, यानी सब्जी के सड़ने से जो गैस बनती है, यही गोबर गैस प्लांट में भी है। कभी भी वेजिटेशन सड़ेगा जो गैस बनेगी मालूम है? गोबर गैस प्लांट, वो गाँव में रहता है उससे वही चीज है। तो मार्शी लैंड में भी बैक्टीरिया, बोलो उसको कौन सड़ाता होगा सब्जी को? क्या बैक्टीरिया ही सड़ाते होंगे? इस बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सीएनजी, तो इसलिए मार्शी लैंड में देखो लिखा हुआ है, दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। हमारे अंदर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर अदर, कुछ ऐसे भी होते हैं कि बॉडी के अंदर, जैसे कि ये आप ये देख लो, हम लोगों में ये रहते ही हैं राउंड वॉर्म इन ह्यूमन, देख लो बहुत सारे ऐसे वॉर्म्स भी होंगे, नीमा टोटा भी होंगे, देख लो हम लोग इंटेस्टाइन है, और इंटेस्टाइन में से राउंड वॉर्म निकल रहा है, पेट में रहेंगे, ये पेट घर से कीड़े निकलते हैं भाई, पापा इसी में तो एक बंडल जोड़ के लाते हैं, ये तो होता ही रहता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कभी भी हम लोगों के पेट में ये सब चलते रहते हैं, और अल्टीमेटली ये राउंड वॉर्म ऐसे निकाले जाते हैं, बात समझ में आ गई? सो हम लोग के लीवर में रहेंगे, ये ऐसे ही, ये अभी गाय में निकालेंगे तो पूरा बोरा भर जाता है। After. ये देखो पेट में रहेंगे, ये खाना हम लोग खा लेते हैं, न्यूट्रिशन। If they put their dirty fingers in their mouths, unwashed fruits or vegetables grown in contaminated soil also can transmit the ascariasis. ठीक है, तो वहाँ पर रखे हुए हैं। किसी को भी इंटेस्टाइन में हो सकते हैं। So, in heavy ascariasis infestation, a mass of worms. Worm in eye. देखो आई में भी हो जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में रहेंगे, ये देखो। ये तुम्हें कहीं दिख रहा है आई में किनारे? हाँ सर। वो निकाल देगा खींच, दिख रहा? चल भी रहा है। रेंडो रेंडो। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे लिव इन, दीज लिव इन हॉट वाटर एंड मार्शी लैंड। मार्शी का क्या मतलब होता है रिया? बहुत अच्छा, दैट इज दलदल में रहेंगे। और इसके अलावा हमारी बॉडी में भी कुछ तो बैक्टीरिया रहेंगे, माउथ में रहते हैं, माउथ में स्मेल नहीं करना लगता किसी के, इसका स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, दांत खा जाते हैं, डेंटल कैविटी नहीं हो जाती बीच में, तो स्ट्रेप्टोकोकस किसी के माउथ में अगर पायरिया हो गया, बहुत स्मेल आ रही, समझो उसके मुंह में बैक्टीरिया भरा हुआ। मेरा समझ आई बात? नाउ इसके अलावा दीज आर ऑल्सो लिविंग प्रोटोजोआ, कहाँ रहे Some micro organisms live in human bodies.
अगला देखें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। सो ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कुछ हमारे लिए हार्मफुल है, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल फॉर अस एंड सम आर फ्रेंड्स ऑफ अस। सो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल फॉर अस एंड सम आर हेल्पफुल फॉर अस। तो अब हम इसमें से देखेंगे कि हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। नुकसान पहुंचाने वाले बहुत हैं, लेकिन हमारे दोस्त कुछ थोड़े ही हैं। तो फ्रेंडली लैक्टोबैसिलस, अगर मान लीजिए आपने गंदा पानी पी लिया और लूज मोशन या डायरिया हो गया तीव्रत, तो ऐसी स्थिति में प्रोटोजुआ रिस्पॉन्सिबल है कि वायरस रिस्पॉन्सिबल है? सर क्योंकि अमीबा और पैरामीशियम उसमें होते हैं, या हो सकता है एल्गे हो गया उस पानी। हाँ ठीक है, मतलब तो ये समझ आने पर, तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? दीज आर फाउंड इन कर्ड ब्रेड एंड केक। आपको मालूम है ईस्ट, ईस्ट से फ्लफी हो जाता है, तो वो फ्रेंडली है ना। ईस्ट, ईस्ट दिखाया भी आप लोगों को, तो यानी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं। ये दाल का पेड़ है, इसमें दाल उगती है और इसका ये जो रूट्स है ना, रूट्स में ऐसे लेग्यूम है, गांठे पड़ी हैं, अभी मैं दिखाऊंगा। अरे वाह, तो That is Rhizobium bacteria and Nitrosomonas। बुक में लिखा है क्या इन्होंने? Yes, तो Rhizobium bacteria और यह Nitrosomonas bacteria, इनका काम क्या है? ये दाल है, दाल का मतलब पल्सेज होता है, पल्सेज में नाइट्रोजन ज्यादा होती है, क्या होता है? तो ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स करने का काम ये लेग्यूम करते हैं। लेग्यूम का मतलब गांठें, तो इनकी जड़ों में क्या होती है? लेग्यूम्स। तो ये लेग्यूम्स हैं, इसका मतलब ऐसे गांठ है और इनमें कौन बैठा हुआ? बैक्टीरिया। वो एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन ले लेकर इसको दे रहे हैं, उससे दाल बन रही, दाल में प्रोटीन है, हम लोग बढ़ रहे हैं। Homonas are found in root legumes of दाल है तो ये pulses का दूसरा नाम क्या? Lentils है। Yes, sir. Lentils plant, तो वो मतलब दालों के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि रूट ऑफ
लिक्स ब्लिक ये देखो ये जो दाल का पौधा है इट इज इन्वॉल्वड इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रो ये देखो ऐसे होते हैं आपको दिख रहा है ना छोटे छोटे ये रूट के जो दाल के पौधे की जड़ें उनमें बैठे हैं ना गांठे बना बना के तो इसको राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं राइजोबियम स्पेलिंग ठीक है आर एच आई राइजोबियम तो पहली चीज ये समझ में आ गई कि दालों में होते हैं तो ये क्या करते हैं दे फिक्स नाइट्रोजन एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी ऐसा बुक में लिखा है आपके दे इसी हेडिंग में देखो दे फिक्स यस सर नाइट्रोजन एंड इंक्रीज और क्या करते हैं जब जब फिक्स करेंगे तो मिट्टी को उपजाऊ बना देंगे नाइट्रोजन एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी दो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के नाम बताओ मैं आपसे बिना देखे इधर देखो सोमोनास बादाम खाए तो ठीक है तो खेत में आता बिना बादाम के तो इडली इडली क्या होती है पता नहीं रोटी होती है ऐसे लगेगा मन में अब ये देखो नेक्स्ट इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या कहेंगे प्रेजेंट इन कर्ड वे कहाँ रहते हैं कर्ड वो क्या करते हैं बोलो कर्ड फॉर्मेशन हाँ ठीक है हेल्प इन कर्ड फॉर्मेशन और हमारे अंदर वो जो ये WBC बनाते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं हमारे अंदर सर इम्यून सिस्टम हमने व्हाइट ब्लड सेल्स आप लोगों को दिखाई ना बड़ी वाली गोल गोल सर इम्यून सिस्टम को सर स्ट्रांग हाँ ये है WBC इसमें न्यूक्लियस भी होगा वायरस तो वो होता है जो एकदम अलग ही इसका ज्योमेट्री अलग होती है कि नहीं ये क्या RBC अल्पन लेवल उसमें न्यूक्लियस नहीं है वो बस ऐसे डिस्क लाइक तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए प्रेजेंट इन कर्ड और ये हमारे अंदर किसका भी इस्तेमाल करता है बोलो बेटा व्हाइट ब्लड सेल हमारे अंदर क्या करते हैं जवाब दोगी तो मजा आ जाएगा जैसा कि मानसी ने बताया इट मेक्स WBC यानी इन अस तो हमारे अंदर WBC बनाते हैं एंड इंक्रीज अवर इम्यून सिस्टम अच्छा ईस्ट क्या करेगा बोलो ये तो इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा और ईस्ट भी एक बैक्टीरिया है सर वो सर किसी का भी सरफेस एरिया बढ़ा देगा ईस्ट क्या करेगा अगर इसको आटे में डाल दिया ये ईस्ट है सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ईस्ट क्या करेगा ये यूज्ड बाय बेकर्स इट मेक्स द डो फ्लफी जैसे बुक में बनाए एक डायग्राम देखो क्या बनाए ये डो को फ्लफी बना देगा तो इससे क्या होगा फ्लफी बनने के बाद ये कोई भी चीज स्पॉन्जी खाने में ब्रेड हो ये सब तो ईस्ट क्या करेगा ईस्ट इज यूज फॉर फर्मेंटेशन यूज फॉर थोड़ी स्मेल भी आती है ना डोसे के बैटर में वो फर्मेंट की स्मेल है नहीं यूज फॉर कोई भी चीज को पार्सली सड़ा देना फर्मेंटेशन और ज्यादा सड़ जाए तो बहुत ही स्मेल आने लग जाए डोसा का बैटर रख तो चार दिन पता चले खाने लायक नहीं रहेगा तो फर्मेंटेशन क्या बताओ LACTOBACILLUS इसको ठीक करो और यीस्ट इज यूज फॉर फर्मेंटेशन ऑफ ये बैटर बैटर को फर्मेंट करेगा इडली बैटर या डोसा को और या डो को डो किसका ब्रेड का डो एंड मेक्स इट फ्लफी एंड स्पॉन्जी आफ्टर बेकिंग
एंड यूज्ड फॉर बेकिंग, क्या बेक करते हैं, ब्रेड, पेस्ट्री एंड मेकिंग क्या करते हैं, डोसा ही पे सर, और स्टीमिंग क्या करते हैं, इडली, बोलो सर, इन सब के काम में क्या आएगा, यीस्ट आएगा कि नहीं सर, यीस्ट इज यूज्ड फॉर, ठीक है सर, इधर सर ऊपर सर राइजो भी है, राइजो भी है, लेकिन बात चली रही है सर नाइट्रोसोमोनास, इसको क्या लिखेंगे, नाइट्रोसोमोनास, देखो नाइट्रो सोमोनास, अगला देखो, तो इसके अलावा ये भटूरा बनाने के भी काम में आता है, ईस्ट के भटूरे, कुछ लोग बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं ना। अब इसके अलावा ईस्ट और किस काम में आता है, ये शुगर का फर्मेंटेशन कर करा के दारू बनाने काम में आता है, इट इज यूज टू फर्मेंट शुगर एंड मेक अल्कोहल, अल्कोहल का कुछ पोर्शन पिया जाता है, लेकिन हमारी जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है बिना अल्कोहल के नहीं बन सकते, जितने भी ड्रग्स हैं, जितने भी मेडिसिन है, सब में अल्कोहल पड़ती है, इस तरीके से अब अल्कोहल का सबसे, जो देश सबसे ज्यादा अल्कोहल बनाता है वही डेवलप्ड कंट्री है, इतना ज्यादा अल्कोहल बनाता है, वो बात अलग है कि कुछ लोग पीते भी हैं नशे के लिए, मेडिसिन की तरह भी यूज कर सकते हैं अल्कोहल को, मेडिसिन अल्कोहल के मीडियम में ही सब मेडिसिन बनेगी, और अल्कोहल से जितने तरीके के और ऑर्गेनिक है ना कंपाउंड, 1,25,000 ऑर्गेनिक कंपाउंड सब अल्कोहल से ही, मर जाते हैं लोग, किडनी गल जाती है, अगर अल्कोहल में तुम किडनी का पीस डाल दो तो दो दिन में किडनी, ये लीवर, लीवर डाल हो जाएगा, भाई नशा तो लोग किस, अल्कोहल क्या है ना डिजोल्व कर लेता है चीजों को, दो चीज डाली उसी में मीडियम में डिजोल्व कर लिया, उनके बीच रिएक्शन करा दी, उसको निकाल लो अल्कोहल अलग कर दो, तो जैसे पानी में डिजोल्व करके चीजें नहीं बनती है, अल्कोहल ऑर्गेनिक मटीरियल है, अल्कोहल क्या है बताइए, शुगर को फर्मेंटेशन, और अल्कोहल से तो गाड़ियां चल रही है अमेरिका में, वहाँ तो अल्कोहल अगर नहीं पियेंगे तो मरी जाएंगे यूरोपियन कंट्रीज, ये तो यहाँ पे पीने से ऐसा है, लेकिन वहाँ जरूरी, क्योंकि वो मीट खाते हैं, फिर मीट को गलाएंगे कैसे, अल्कोहल से। चलो चौथी चीज क्या बताई, ईस्ट इज ऑल्सो यूज टू मेक अल्कोहल फ्रॉम शुगर, ये देखो अगर ये शुगर है, शुगर यानी चीनी, और इसमें क्या डाल दो, ईस्ट, तो ये क्या बना देगा, अल्कोहल, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, क्या फर्मेंटेशन, यस सर, सो बाय फर्मेंटेशन इट इज यूज्ड टू मेक, एफपी लिखो फर्मेंटेशन, सो ठीक है, अल्कोहल इज मेड आफ्टर फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, ईस्ट हेल्प इन फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, एंड मेकिंग अल्कोहल, जितनी अल्कोहल दुनिया में बनती है उसका 0.5% ही ड्रिंक की जाती है, बाकी सब इंडस्ट्री, कुछ लोग ही पीते हैं, आजकल दुनिया जागरूक हो रही है तो ये सब नहीं होता है, इसकी बात समझ में आ गई, अब आपको ये चार पॉइंट लिखने हैं, आप देख लो अच्छे से फिर पर्ची दे दो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यही इस चैप्टर का मेन है, कि किस तरीके से ये हमारे हमारे फ्रेंड है सर, बस ये चार पॉइंट ही लिखने हैं, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चार पॉइंट ना,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हम लोग को जो टीके लगते हैं या बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स खाते हो तो कभी कभी जैसे गले में दर्द हो जाता है तो एरिथ्रोमाइसिन खाते हो तो एरिथ्रोमाइसिन ऐसी कुछ चीज़ें हैं देयर आर सम हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं और हमें नुकसान पहुँचाते हैं उनको देखकर तुम क्या कहते हो ठीक है देयर आर सम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इंटर इन अवर बॉडी वो क्या करते हैं एंटर इन अवर बॉडी वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं एंड कॉजेस डिजीज दीज आर कॉल्ड पैथोजेंस पैथो देखो पैथो का क्या मतलब होता है पैथोस और जेंस का क्या मतलब होता है पैथो तुमने पैथोलॉजी वर्ड सुना है रुग्णालय कहते हैं पैथोलॉजी जा रहे हैं वहां बीमारी का इलाज कराने पैथोलैब होता है कि नहीं बहुत जगह लगा पैथोलॉजी तो पैथोस का मतलब बीमार और पैथोलॉजी तो जहां बीमारी का इलाज हो लॉजी का मतलब साइंस लॉजी का क्या मतलब होता है बायोलॉजी बायो की साइंस किसी भी चीज में लॉजी लग जाए तो उसका क्या मतलब होता है साइंस तो साइंस और पैथो का मतलब डिसीज की साइंस तो डिसीज की साइंस इसी तरह पैथोजेंस का क्या मतलब होता है जो डिसीज को जनरेट करे जन मतलब जनरेटर होता है ना जो डिसीज पैदा करे उसे क्या कहेंगे पैथोजेंस क्या बोलेंगे ठीक है तो डिसीज जनरेटर जनरेटर का मतलब क्या हुआ डिसीज कॉजिंग सो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरियाज आर कॉल्ड पैथोजन अगर आपसे कुछ कहा जाए कि पैथोजन लिखो तो या तो पहली वाली डिफिनीशन लिख देना और जिसे ये दिक्कत लगे तो क्या कहोगे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस पैथोजेंस दे इंटर विद इन अवर बॉडी और वो इसके बाद रिप्रोड्यूस करते हैं इतनी बात समझ आ गई ठीक है देयर आर ऑल्सो सम गुड बैक्टीरिया Which can kill these bad bacteria? ये bad microorganism, ये हमारे शत्रु हैं कि नहीं? So these are enemies of us. Other bacteria, which are our friend, can kill them. उनको कहते हैं antibodies. जैसे हमारे सेल में बाहर से कौन आएगा? Antibody आएगा कि pathogen? Pathogen आएगा. पैथोजन हमारा शत्रु है कि नहीं तो हमारे न्यूक्लियस से एक और भी कुछ बैक्टीरिया यहाँ प्रेजेंट रहेंगे या हम इसको ड्रग लेंगे ड्रग जानते हो मेडिसिन ड्रग क्या मेडिसिन होती है अगर उस मेडिसिन में थोड़ा नशा भी है तो ड्रग कह देंगे जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कफ सीरप पी लेते हैं तो कल नींद आ रही है इसका मतलब ड्रग है तो जिसमें उसमें अल्कोहल मिला हुआ अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि ज्यादातर मेडिसिन में अल्कोहल होता है नहीं तो जो ड्रग है वो हमने लिया तो वो इसे किल कर देगा ये जो बाहर से आया इसको वो क्या कर देगा किल तो कौन कौन से तीन नाम दिए गए हैं जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी है एंटीबॉडी का क्या मतलब है एंटीबॉडीज आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन किल पैथोजन कुछ एंटीबॉडी तो हमारे न्यूक्लियस भी बनाता है लेकिन कुछ हमें बाहर से लेना पड़ता है जैसा कि देवव्रत ने बताया कि एरिथ्रोमाइसिन लेते हैं जब हमारे गले में टॉन्सिल होता है और दो और बुक में क्या लिखी है एरिथ्रोमाइसिन तो एक उन्होंने बताई बाकी दो क्या लिखी क्या स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेरासाइक्लिन लिखी है पेज में देखो तो पेज नंबर 20 में लिखी है सो दोज फ्रेंडली बैक्टीरिया वो कैसे होते हैं फ्रेंडली बैक्टीरिया क्या आप किसी एक एल्गी का नाम बता सकती हैं पलक जो हमारा फ्रेंडली हो बताओ कितना अच्छा यानी कैसे इनको मालूम है पेनिसिलियम बहुत बड़ी बात है पेनिसिलियम ने बता दिया
क्योंकि उससे पेनिसिलिन बनता है और क्या वो मलेरिया में हमारी रक्षा करता है। तो पेनिसिलियम क्या है, ये फंगी है, एल्गेनी फंगी है, क्या है? तो फंगी भी ऐसा होता है, नहीं मलेरिया में हमारी रक्षा करता है, नहीं। सो दोस फ्रेंडली बैक्टीरिया विच किल पैथोजन उन्हें क्या कहेंगे, आर कॉल्ड, बोलो इस सेंटेंस को पूरा करवा रहा हूं, दोस फ्रेंडली बैक्टीरिया विच जो पैथोजन को मार दें उन्हें क्या कहेंगे, एंटीबॉडीज, और या फिर आपकी बुक में एंटीजन एंटीबॉडीज लिखा है, कॉल्ड एंटी बॉडीज उन्हें क्या कहेंगे, एंटीबॉडी। क्या इनमें भी जान है और इनमें भी जान है? बायो तो दोनों में, बायो का मतलब लाइफ होता है, तो इसलिए इनसे बनने वाली मेडिसिन को कहते हैं एंटीबायोटिक्स। क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया में ही बैक्टीरिया है, वो जो तुम टिक्किया खा रहे हो ना उसमें बहुत सारे जिंदगियां हैं, ये ना सोचो कि ऐसे ही खा लिया, उसमें लाइव्स हैं, बस उसको टिक्किया बना दिया ड्राई करके, है उसमें बैक्टीरिया। तो क्या होगा जो टेबलेट खाते हैं, अभी देखो आलू की टिक्किया नहीं, सो दीज आर कॉल्ड एंटीबॉडीज एंड द मेडिसिन मेड फ्रॉम इट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। मेडिसिन made from किससे, antibodies is called antibiotics, antibiotics। अच्छा ये तो antibiotics हो गया, at some times ये हमारी body में vaccination भी दिया जाता है, उसी को हमारे अंदर syringe में डाल दो तो vaccination नहीं कहेंगे, या कभी कभी अगर मुंह में डाल लिया जाए तब क्या कहेंगे, वो जैसे ओरल ड्रग, ये भी ठीक बताना, फिर से बताओ क्लास को, लेट द क्लास गेट एट नॉलेज बाय, ये ठीक है। जैसे इन्होंने बताया कि इनोकुलेशन, ये पढ़ के आए हैं, मैं सही बता रहा हूँ जिस हिसाब से बता रहे हैं, सब पूरा चक्कर पढ़ के बैठे हैं, तो अगर हमें हमें सिरिंज लगे तो क्या कहेंगे, वैक्सीनेशन, मुंह में दिया जाए इनोकुलेशन, है कि नहीं। तो एंटीबायोटिक्स, टेबलेट खा लिया तो एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स में क्या होते हैं, एंटीजन, एंटीजन क्या करते हैं, पैथोजन को किल करते हैं, ये पूरा सेंटेंस फिर से बोलो, एंटीबॉडी कन एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, उसमें क्या होते हैं, एंटीजन, एंटीबॉडीज हो गए एंटीजन, और एंटीबॉडीज क्या करती हैं, किल करती हैं। कोई तीन एंटीबायोटिक्स के नाम बताओ जो नीचे बिकती हैं आनंद मेडिकल स्टोर में, बोलो, टेरासाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, हर चीज इनको, मैं ये सोचा ये तेज इतनी कैसे, कितना देखो ये कैसे ही करेंगे सर, पिछली बार तो जब भी जाते हूँ ये अंदर एसेंशियल यही तीन दवा, मतलब हर बार इन्हें ये कैसे पता, वो डॉक्टर ही अंदर का ये उसको यही लिखना है बिना सोचे समझे, हमेशा डेली यही देता है, अभी एजिथ्रोमाइसिन टॉन्सिल हो गया, लो एजिथ्रोमाइसिन, बच्चे जान रहे हैं कैसे कितनी ये वाइडली है, जैसे इसको क्या कहते हैं कि जो हमारे ब्लड में है एजिथ्रो, जो रेड कलर का है, तो जैसे आरबीसी है तो उसमें क्या कहते हैं एजिथ्रो, उसमें रेड, तो एजिथ्रोमाइसिन जो रेड कलर के बैक्टीरिया हैं, तो इस और जो इस स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे स्ट्रेप में, तो उनको कहते हैं माई और सिन, तो जो किल करें किसी चीज को तो माई सिन लगाएंगे उनके आगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन। फिर दूसरा कौन सा है, अभी बताएंगे एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो पैथोजन को मारे उनको क्या कहेंगे, सुनो जैसे हमारे यहाँ पैथोजन आ गया, तो क्या एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को मार भी सकता है, तो जो बैक्टीरिया मारे और हमको स्वस्थ करे उस बैक्टीरिया को कहेंगे एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज जैसे ये सब है और इनको मिला के मैंने एक टेबलेट बना ली, अब इसे क्या कहेंगे, एंटीबायोटिक। अब ये क्या कौन सा हो सकता है, क्या स्ट्रेप्टो माइसिन और टेरा साइक्लिन और एजिथ्रो माइसिन, सब दो दो रुपए के नीचे मिलती है, तो तीन एंटीबायोटिक्स हैं। तो एग्जांपल क्या हुआ, एग्जांपल ऑफ एंटी
बायोटिक्स क्या है, स्ट्रेप्टो ये बुखार के लिए, टेरासाइक्लिन फीवर के लिए, ये भी उसी तरीके से है, और भी जो जैसे जुकाम हो गया तो टेरासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, और दूसरा क्या है, एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रो माइसिन, बुक में तीनों लिखा है एरिथ्रोमाइसिन, सो दीज आर टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, और तीसरा क्या है एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन बुक में लिखा है कि नहीं, एरिथ्रोमाइसिन, सो दीज आर द एंटीबॉडीज। अब जरा देखो, सो ये काम होता है। अब हम आपसे डिफाइन करवाएंगे पैथोजन, एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स, राइट, थ्री एग्जांपल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, देखो यहाँ लिखा है इसमें, ये नीचे तीन नंबर का टेट्रासाइक्लिन में ई भी लगाओ, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रो, हाँ बोलो, एंटीबॉडीज, दोज बैक्टीरिया, फ्रेंडली बैक्टीरिया विच किल पैथोजन, टैबलेट टू क्योर अस, टैबलेट मेडिसिन मेड फ्रॉम एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, इट इज यूज्ड टू क्योर अस, नहीं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, यार दो गए पड़े इस पर, चलो हटा दें, हाँ सर, चलिए एग्जाम्पल है, चलिए लास्ट पर क्या हटा देना, हाँ सर, ये फ्रेंडली बैक्टीरिया है एंटीबॉडीज जो पैथोजन को मारती है, पैथोस का मतलब रोग होता है, पैथोलॉजी होती है कि नहीं, ठीक है, और उसी से जो मेडिसिन बन जाए तो एंटीबायोटिक, कहते हैं एंटीबायोटिक ले लिया मेरा बुखार चला जाए, नहीं कहते हैं एंटीबायोटिक ले रहा, उसमें बैक्टीरिया ही भरा है दवा में, वो अंदर जाके दुश्मनों को मारेगा, मान लो तुमने ज्यादा वो बैक्टीरिया ले लिया, जितनी देर तक वो लड़ रहा है तो ठीक है, फिर नहीं तो अपना साम्राज्य स्थापित कर देगा, उतने ही साथी लाओ जो मार सके, दोनों मर जाए बराबर बराबर, ज्यादा ले लोगे तो बैक्टीरिया तो किसी भी फॉर्म में अच्छा नहीं ना, मान लो फिर वो बढ़ने लगेगा, देखो बुक बंद कर दो, बुक में सब है, डेफिनेशन के अंदर एक एक लाइन ही लिखो,
डिजीज की क्या स्पेलिंग है? दिस इज, दिस का मतलब है असहज होना। तुम अगर इजीनेस तुम्हारी चली जाए, ईज को ईज चली जाए तो उसे डिस ईज कहते हैं। ये देखो कि कुछ ऐसी बीमारियां कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस, वो जानलेवा है। दीज आर लेदर। सो कॉलरा हो जाता है ना, तो उसमें उल्टी होने लगती है, यानी फूड पॉइजनिंग। कॉलरा क्या है? फूड, कोई चीज ऐसा आपने खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, सांस लेने में तकलीफ होती, दमा, टीबी। यस सर। Tuberculosis, that is TB. और नेक्स्ट इज स्मॉल पॉक्स, दाने निकल आते हैं, जिनको कुछ लोग छोटी माता कहते हैं। आपने किसी को देखा है? से मेरे गांव में कजन है। हाँ। एंड हेपेटाइटिस, इसमें भी इम्यून सिस्टम पूरा खराब हो जाता है, थोड़ी सी बीमारी में आदमी मर जाएगा, जुकाम भी हो जाएगा तो भी मर जाएगा। सो हेपेटाइटिस, आगे देखो, हेपेटाइटिस आर, ये लेदर है, जानलेवा है। सो अगर हम इनसे बचना चाहते हैं तो क्या करें? वैक्सीनेशन, जानलेवा। तो ऐसे में इन्हीं की थोड़ी डोज हमारी बॉडी में दे दीजिए। जैसे मान लो तुम्हारे देश में कोई राज्य में एक सेना लड़ने आ रही है, उसके पहले दो चार सैनिक आ जाएंगे लड़ने, तो तुम राजा सतर्क हो जाएगा कि नहीं? कि सेना से कहे तैयार हो जा, देखो ये लोग आए हैं। तो अगर तुम एक बार सतर्क हो गए तो फिर बड़ी सेना है, तो भी अचानक कोई आ जाए तो मर जाओगे। तो हम इनमें से थोड़ा थोड़ा सा पानी में मिला लेंगे, इतना बना लेंगे और थोड़ा सा डाल देंगे, तो क्या हमारी बॉडी पहले से ही तैयार हो जाएगी उनसे लड़ने के लिए? और जब ये फुल फ्लज आएंगे तो क्या हम उन पर बेहतर तरीके से आक्रमण कर पाएंगे? तो बच्चे में जानबूझ के डाला जाता है ट्यूबरक्लोसिस, बच्चे में ये सब डाल दिया जाता है थोड़ा 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 पतला करके। तो बचपन में ही क्या हमारी, बचपन में तो हमारा सिस्टम बहुत अच्छा होता है, इम्यून सिस्टम। क्या मालूम है आपको, कोरोना की वैक्सीन बच्चों को बाद में दी गई, क्योंकि बच्चे तो खुद ही लड़ लेंगे, बूढ़े नहीं लड़ पाएंगे। तो इसी तरीके से स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया डेलिबरेटली इंजेक्टेड विद इन अवर बॉडी, सो दैट अवर बॉडी इज प्रिपेयर्ड इन एडवांस टू फाइट व्हेन दे कम फुल फ्लेज। जब वो पूरी तरीके से आए तो हमारा शरीर उनसे लड़ने में पहले से ही तैयार हो, तो उसको क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन। इन्हीं में से डाल दिया जाएगा, एंटीबॉडी नहीं डाली जाएगी, इन्हीं को डाल दिया जाएगा। दो चार डाल दिए, बोले अब लड़ो बॉडी से, तो बॉडी तो दो चार से तो लड़ लेगी ना, और अचानक लाखों आ जाए तो लड़ पाएगी? तो लेकिन अब जब दो चार से लड़ लेगी, दस साल बाद तुम्हारी बॉडी में फिर से उसने अटैक किया, तो जब हमारी बॉडी में सेल के अंदर ही मैसेज जाएगा, पैथोजन आया है, कहेगा कोई बात नहीं, 20 साल पहले जब मैं 3 महीने का था ऐसा ही पैथोजन आया था, मेरे पास इसका कोड है, प्रोटीन बनाओ, सबको मारो। उसको इतना याद है कि जब वो 3 महीने का था, क्योंकि उसने मारा था, वो आकार प्रकार देख लेता है कि कैसा बैक्टीरिया है पैथोजन। तो जब सेल के अंदर ये मैसेज पहुंचता है ना, तो न्यूक्लियस के अंदर एक DNA टाइप होता है ऐसा, जेनेटिक मटेरियल, उसके अंदर ये मैसेज जाता, कहता कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा दिखता है, 20 साल पहले 4 आए थे, अब लाख आए, हमने उनको मार दिया था, मेरे अंदर वो कोड सुरक्षित है, बनाओ उसको, कुक करो और सब मारो। तो द सेम चीज ही हमारे अंदर डाली जाएगी, अब एंटीबॉडी नहीं डाली जाएगी, वही डाल दो, ये भी एक मारने का तरीका है। तब जब बचपन साइड में थोड़ा सा डालना है, तो थोड़ा सा डालने में हम पहले से एडवांस में तैयार हो जाएंगे।
तो ये चीज कही जाती है कि जैसे कोरोना से, कोरोना आने से पहले, ये जैसे कोरोना पूरी 10 मिनट जाए तो थोड़ा थोड़ा कोरोना का डिसीज सब में डाल दो जिसको नहीं दिया, तो अल्टीमेटली उनमें एक ये तैयारी हो जाएगी कि हम कोरोना से कैसे लड़ें, डीएनए, फिर जब आएगा कोरोना वो लड़ लें। बात समझ आ गई कि नहीं? तो तुमको एक झूठे शत्रु दिए जाए, तुम उससे लड़ लो, तो जब सच्चे शत्रु आएंगे तब भी तो तुम लड़ लोगे। तो ऐसी चीजें डाली जाती है जो उससे मिमिक करती, मिलती जुलती। तो क्या लिखे बताइए, वैक्सीनेशन क्या होता है? ठंडी ज्यादा लग रही सर? यस बताया करो, ऐसे बैठी हो चुपचाप। सर वैक्सीनेशन लेने के बाद हमें फीवर भी आता है। वैक्सीनेशन क्योंकि वो थोड़ा सा है, थोड़ा सा करने पर भी हमें जब बॉडी लड़ेगी तो उसके कुछ ना कुछ तो दुष्परिणाम होंगे, लेकिन अल्टीमेटली 3-4 दिन फीवर के बाद हम लड़ लेंगे और हम मैनेज कर लेंगे। तो वो ज्यादा अच्छा है कि मर जाना ज्यादा अच्छा है? सर वो ज्यादा अच्छा है। सो इसको लिखो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैक्सीनेशन की डेफिनेशन। वैक्सीनेशन सो स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, स्मॉल अमाउंट, स्मॉल डोज लिखो, डोजेस ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंजेक्टेड इन एडवांस, पहले से ही डाल दिया जाए, इन अवर बॉडी। देखो आर इंजेक्टेड भी होता है या आर गिवन ओरली भी होता है, गिवन ओरली भी तो दे सकते हो, मुंह में पोलियो ड्रॉप डाली जाती कि नहीं? तो मेनली इंजेक्ट होता है बच्चों में, ओरली डाल दिया जाता है। इंजेक्टेड इन एडवांस इन अवर बॉडी सो दैट अवर बॉडी इज वेल प्रिपेयर्ड, to fight with them हमारी बॉडी पहले से तैयार हो जाएगी when they actually attack on us। This is called vaccination। ये देखा गया कि कुछ बच्चों को इस स्मॉल पॉक्स एक शहर में फैला, यूरोप के एक शहर में, तो वहां पर मैनचेस्टर फैल गया, तो सारे लोग वहां पर क्या करने लगे, स्मॉल पॉक्स हुआ तो मर गए, लेकिन जिनको बचपन में स्मॉल पॉक्स हुआ था, सो हाँ जी और जिसको पहली बार हुआ मर गया, यानी बचपन में हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी, इम्यून सिस्टम, तो उन लोगों ने क्या किया, उससे लड़ लिया था जब वो थोड़े मर, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है इन बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है, तो उनकी बॉडी से कुछ ना कुछ इंजेक्शन निकाला गया और उसकी वैक्सीन बनाई गई और वही सब में दी गई, फिर जिनको हुआ तो वो भी बच गए, क्योंकि उन्होंने वो चीज तैयार कर ली थी ना, अपने बॉडी में एक सिस्टम तैयार कर लिया सर, था। हाँ कोरोना के अंदर सर आप बोलते क्योर तो मिला नहीं, तो कोरोना के अंदर कैसे? कोरोना में जिस हमारे देश में जिनको कोरोना हुआ वो सबको हो चुका है, एक बार हमें पता नहीं लेकिन हो चुका है, हमने लड़ा है, बहुत जुकाम हुआ सबको, लेकिन हम उससे बच गए हैं। अब बार बार आता है तो हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हमारी बॉडी लड़ लेती है, हमको मालूम ही नहीं होने देती, कहते करो काम हम लड़ रहे तो स्कूल जाओ, तो अब हमारे में बहुतों पे आता भी है, हमें पता भी, क्योंकि यही चीज तो वैक्सीनेशन का रूल है। सर तो अगर हमें पता नहीं और पहली बार हुआ है तो उस समय बहुत तेज आपको फीवर हुआ होगा या बॉडी टूट रही होगी, और जैसे
पास हम लोग चले जाए, कुछ मिले तो उनकी तरफ, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोरोना एक वायरस है, वो हमारे अंदर अपना काम कर रहा है। ये कोई हो तो गया ही, कंटेजियस से छूने से ही हुआ, वायरस हमारे अंदर आ गया, तो उसके बाद हमारी बॉडी उनसे लड़ रही है। तो अब वो जो उसको भी छू लेंगे तो उसको हो जाएगा, वो उसकी जान भी जा सकती है, हमारे अंदर वायरस है उसमें चला जाएगा, वो मर जाएगा। इसी तरह से तो फैला है एक से दूसरे में, बात समझ आए कि नहीं। लेकिन हम लोग अब उससे निकल चुके हैं, तो हमारे ऊपर बार बार भी होता है तो वो सर्दी जुकाम की तरह। अब हमें क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि आयुर्वेद बहुत ज़्यादा है, तो किसी ने कुछ टेबलेट खाई, तो किसी ने किसी का जूस पिया, गिलोय पी रहा है, तो ये चीज़ दूसरे देशों में नहीं है। जबकि हमारे आयुर्वेदिक प्लांट जो है, हर्बल प्लांट, जगह जगह, घर घर और गांव गांव में, तो हम लोगों ने उससे बचाव कर लिया अपना, तो यही चीज़ें चलती रही, तो यही चीज़ है, इसीलिए हमारे यहाँ सबसे कम देते। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो अच्छा, फिर मास लेवल पर वैक्सीनेशन भी चला, ऐसा नहीं दोनों चीज़ें होंगी इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे, वैक्सीनेशन। समझ में आ गया। तो स्मॉल डोज ऑफ ये डिसीज पैथोजेंस, जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इज गिवन इन बॉडी इन एडवांस सो दैट आवर बॉडी इज। हाँ सर, हमारे अंदर भी अभी वो थोड़ा सा डाला हो। आप जब छोटे थे तो 2 साल के अंदर में आपके अंदर 22 इंजेक्शन लगे। जब बच्चा होता है ना, और एक भी इंजेक्शन जिसका छूट गया तो माँ बाप की गलती है। अगर पोलियो का छूट गया, पोलियो माइसिटिस, तो बच्चे का पैर खराब हो जाएगा, वो लंगड़ा लंगड़ा से। जरा एक भी छूट गया, बस बहुत सतर्क होता है। अगर माँ या माँ बाप की पूरा फर्ज है कि 22 इंजेक्शन पूरे लगे, डॉक्टर उनके यहाँ फोन करेगा, ये किया है नहीं। सबसे बड़ा चीज़ है कि बच्चे को वो 22 इंजेक्शन लगे। अगर ये किया है तो आपको जीवन में पढ़ाई से भी ज़्यादा जरूरी, क्योंकि हेल्दी होना ज़्यादा जरूरी है, अल्टीमेटली वो एक्सपोज, ये वैक्सीनेशन जरूरी है। फिर तो बाद में आप लगाते रहिए, जैसे 3-3 साल में एक बार टिटनेस लगा दो, तो टिटनेस का इंजेक्शन लग जाएगा। टिटनेस, हाँ, तो टिटनेस में क्या कि लोहे में कील में भी उंगली घुस गई तो कुछ नहीं होगा, नहीं तो आँख, अगर लोहे उसमें रस्ट होता है तो आँख नीली पड़ जाएगी, शरीर ऐसे सैठन होकर मर जाओगे। तो उसमें क्या होता है, टिटनेस का इंजेक्शन अगर 3 महीने में लगाया तो तुम लोहा लग गया, कील लग गया तो ठीक है, वरना 1 महीना लगता है। तो वो टीटी का 3-3 साल में एक बार इंजेक्शन लगाओ, और बाकी तो कुछ ही नहीं। ऐसा नहीं है, अगर आपको शुरू के लग गए तो आपकी बॉडी तैयार है, अब वो बॉडी कहेगी बचपन में इसको लगा था पलक को जब ये 1 साल की थी, हाँ हाँ अभी तुम 90 की भी हो जाओगी तब भी बॉडी कहेगी 1 साल में लगा है, मारो उसको भगाओ। हम डीएनए बोलेगा हमारे पास कोड है, बनाओ ये प्रोटीन, भगाओ उसको, जब तक जिंदा हो तब तक उसे याद रहेगा, इसीलिए वैक्सीनेशन। वो कोई नहीं है कि वो भूलता नहीं है हमारी बॉडी, उसे मालूम है कि किस तरीके का शत्रु है, इसे कैसे मारना है। जब एक राजकुमारी खड़ी हुई थी अपने उस पे अट्टालिका पर, अटलिया पे, और फिर वहां ड्रैगन आया उस पे हमला करने लगा, तो राजकुमारी दूर से कहीं चलता हुआ आया, उसने कहा ड्रैगन राजकुमारी पे हमला कर रहा, उसने तलवार निकाली, कट से काट दिया उसको। उसने कहा ए वीर, तुमने हमारी जान बचाई है, हम आज रात का डिनर के लिए तुमको आमंत्रित करते हैं, आओ हमारे साथ पूछ। तो वो पहुंच गया, उसने कहा ये राजकुमार बहुत वीर है, इसने हमारी जान बचाई है, और राजकुमार अगर हो सकता है तुम्हारी तलवार काम ना करे तो तुम मेरा ये फंदा ले लो, तुम ड्रैगन के गले में फंदा डाल देना और फिर वो मर जाएगा। फिर वो राजकुमार चला गया। कुछ दिन बाद राजकुमारी एक छत पर खड़ी थी और एक ड्रैगन आया और वो उस पर अटैक करने लगा, तभी संयोग से एक राजकुमार वहां आ गया, ये वही राजकुमार था, तो उसने तलवार निकाली और काटने के लिए उसका सर बढ़ाया। उसने कहा अरे मूर्ख, ये क्या करते हो, वो फंदा कहाँ है जो मैंने तुझे दिया था। उसने तुरंत याद आई फंदा लगाना, फंदा लगाकर उसने मार दिया। तब तक राजकुमारी कुछ घायल हो चुकी थी, तो उसने कहा तुमने फिर भी मेरी जान बचाई है, आज रात भोज के लिए मैं तुम्हें आमंत्रित करती हूँ, आओ हमारे साथ भोज करो। उसने कहा इस वीर ने मेरी जान बचाई हो, लेकिन भला हो उस फंदे का जो मैंने इसे दिया था, वो फंदा ना होता तो आज मैं मारी जा चुकी। सर तलवार तो होता उसने अपना क्रेडिट ले लिया पूरी तरीके से। फिर वो राजकुमार जा चुका था, लेकिन जाने से पहले उसने कहा लो ये जहर पूजा तीर ले लो, हो सकता है वो फंदा भी ना काम करे, तो ये जहर पूजा तीर से तुम काम करो। कुछ दिन बाद वो छत पर राजकुमारी खड़ी थी,
और उसके ऊपर ड्रैगन ने अटैक किया। संयोग से वो राजकुमार वहां से गुजर रहा था तो उसने देखा कि राजकुमारी संकट में, उसने तलवार उठाई, उसने कहा अरे ये क्या करते हो, वो जान गया कि ये जरूर ये फंदे की बात करे। उसने फंदा, उसने कहा तुम पूरे मूर्ख हो चुके हो, वो जो सुई का है, तुरंत उसने सुई निकाली और डाल दिया। लेकिन राजकुमारी काफी घायल हो चुकी थी और तब उसने कहा फिर भी तुमने मेरी जान बचाई है, आज मैं अपने अर्जुन पर आमंत्रित करती हूँ, क्या तुम स्वीकार करते हो? हाँ राजकुमारी मैं स्वीकार करता हूँ। उसने कहा राज भला हो, इस राजकुमार ने मेरी जान बचाई, लेकिन भला हो मेरी उस सुई का, अगर वो सुई ना होती तो आज मैं बच न पाती। तो उसने सारा राजकुमार का क्रेडिट खुद ले लिया, फिर राजकुमार दोबारा उस गली से नहीं गुजरा। हमने ये देखा, मरने दो, जो बनेगी। वैक्सीनेशन आप समझ गए कि क्या चीज है? तो वो वैक्सीनेशन हमें बचाता है, उसके पास एक ऐसी तलवार है वो हमको क्या कर देता है, बचा देता है। नाउ अब जरा आगे देखें कि किन किन के अगेंस्ट वैक्सीनेशन दिया जाता है। वैक्सीनेशन इज गिवन अगेंस्ट कॉलरा, कोरोना भी लिख सकते हो, क्योंकि आजकल कोरोना भी दिया जा रहा है। सो वैक्सीनेशन किसके किसके खिलाफ दिया जाता है? वैक्सीनेशन इज गिवन अगेंस्ट कॉलरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, स्मॉल पॉक्स, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, ठीक है? तो स्मॉल पॉक्स भी आप देख लें किस तरीके से होता है तो पता चल जाएगा। स्मॉल पॉक्स तो किसी किसी को अगर स्मॉल पॉक्स होगा ये देखो, ठीक है ना, किस तरीके से हो रहा है पहले यूरोप में बहुत लोग मरे थे। बता रहे कि बात ये जो फोटो है ना ये स्मॉल पॉक्स दिख गया, सब पीछे भी दाने निकले हैं, ये बच्चे को ये देख रहे हैं पूरे पैर में हाथ में सब निकले दाने, ऐसे ही स्थिति हो फिर आदमी मर ही जाता है, देख रहे हो हाथ में कैसे बच्चे बच्चे मर गए, ये देख रहे वैक्सीनेशन डिफाइन करो रिया। So that body get prepared in advance when it actually comes. Make the body कि हम पहले से सतर्क हो जाए बीमारी के लिए, तो उसने हमारी बॉडी को तैयार कर दिया ना छोटे डोज में देकर, अभी तो सतर्क हो कि छोटे छोटे तुम्हारे जीवन में संकट आए तो क्या बड़े संकट के लिए तो तैयार नहीं हो जाओगे, और राजकुमार बड़े संकट के लिए नहीं तैयार हो पाएगा। तो छोटे छोटे होते हैं तो झटके मिलते हैं, जैसे तुम्हारे क्या है कि PT1 में झटका लग गया तो तुम हाफ ईयरली के लिए तैयार हो जाओगे, हाफ ईयरली में झटका लग गया तो फिर तुम्हारे तो छोटे छोटे झटके चाहिए कि नहीं बच्चों को भी, तो ये बात सही है। और एक बार अच्छा सुनना चाहते हैं, ये पलक बता सकते हैं in our body so that our body is well prepared in advance and to fight with disease when it actually attacks. Now, five things tell us which against vaccination is given. Sir, smallpox, corona virus, TB. Hmm.
हेपेटाइटिस, इसमें भी इम्यून खत्म हो जाता है। और बोलो बोलो आप पांच कॉलरा 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 ट्यूबरक्लोसिस स्मॉल पॉक्स कोरोना वायरस और एक सवाल बताओ संदीप ये बताओ आप बेटा कॉलरा टीबी स्मॉल पॉक्स कोरोना हेपेटाइटिस समीर ने सुना ये तो आपको पता चल गया कि किस तरीके से हम डिसीज में एडवर्ड जेनर हैज डिस्कवर्ड ये वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है इनका नाम इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसने वैक्सीन की शुरुआत की लोग सोचते थे कि हमारी बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं इंजेक्ट करना जिन्होंने नहीं करना चाहिए एडवर्ड जेनर ने बहुत बड़ी बात कर दी कि नहीं हैज इन्वेंटेड सर वहां पे ई आएगा ए की जगह Edward Jenner has invented vaccine of smallpox. वो जो मैं ये दिखा रहा था ना वो वैक्सीन है तो जो काउ के पास रहते थे उनको काउ पॉक्स हो गया था तो काउ पॉक्स जिनको हुआ था उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था तो काउ वाली मेडिसिन सब में डाल दी गई तो फिर उनको आगे स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ तो स्मॉल पॉक्स से बचाने के लिए क्या कराया गया काउ पॉक्स की ये वही कहानी दिखाई जा रही है एडवर्ड जेनर की ही ये कहानी है तो अगर आप इसको सीधा करके देखेंगे ना तो वो दिख जाएगा कि ये वही कहानी है देखो ये स्मॉल पॉक्स है यूएस आर्मी को जब हुआ था तो वहां पे उसका फोटो भी आया था चलो कोई बात नहीं पर ये वही चीज है ठीक है अब देखो वैक्सीन कब डिस्कवर की फॉर स्मॉल पॉक्स 1798 इतनी चीज लिख के दिखाऊंगा का छोड़ दो बस जितना ये चार लाइन तो सर सबसे पहले एडवर्ड जेनर ही थे जिन्होंने वैक्सीन होगी और उससे पहले किसी ने नहीं नहीं इनॉकुलेशन क्या कहते हैं इनॉकुलेशन चलो हाँ जैसे पोलियो का क्या होता है क्या ओरल ली जाती है इनॉकुलेट कराई जाती है एग्जाम्पल इसका पोलियो है मैक्सिमम वैक्सीन तो इंजेक्ट की जाती है बस पोलियो की इनॉकुलेट अभी ये चैप्टर दो दिन और चलेगा लंबा है बहुत कुछ सीखने को नाम सर एडवर्ड जेनर एडवर्ड जेनर देखो बुक में फिगर भी बना ये बंद कर लेना पेपर बंद कर लेना